असलम स्टूडेंट्स आज आपका नेक्स्ट टॉपिक एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन में रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन बेंजीन की रिएक्टिविटी आप स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर ऑफ बेंजीन एज कम्पेयर टू एल्कीन डैट बेंजीन इज़ मोर स्टेबल कम्पेयर टू एल्कीन बेंजीन इज मोर स्टेबल और ये स्टेबिलिटी आप पिछले दो टॉपिक से स्टडी कर रहे हैं एमोटीन ने भी प्रूव किया डेट बेंजीन इज मोर स्टेबल फिर रेजोनेंस से भी ये प्रूव होता है बेंजीन इज मोर स्टेबल मोर स्टेबल होने की वजह से बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन लाइक अल्कीन अब इन दोनों चीजों को प्रूव करेंगे वाई बेनजीन इज मोर स्टेबल एंड वाई इट डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन लाइक अल्कींस रीजन में फर्स्ट कंपेयर कंपेरिजन आ जाता है अल्किन से इन अल्कीन पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज लोकलाइज बिटवीन द टू कार्बन एटम एंड दस देशो एडिशन रिएक्शन अगर आप अल्कीस में आए अल्कींस की डेफिनेशन होती है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमेशा बोला जाता है डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मेन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम, सो ये जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो कार्बन के बीच में रहते हैं एक स्पेसिफिक एरिया है एक लोकेलिटी है लोकलाइज्ड है सो यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आप बोलते हैं लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन दे रिमेन बिटवीन टू कार्बन एटम्स दो कार्बन के बीच में रहेंगे एज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव स्पीशी सो आपके पास बाहर से जो अटैक करेगी स्पीशी है वो है इलेक्ट्रोफाइल एनी पॉजिटिव स्पीशी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज ईजी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीशी इज ईजी इसलिए ये आसानी से शो करते हैं एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन अब बेंजीन पे आ जाएं एंड इन बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कंटिन्यूस शीट अब एंड बिलो दी सिक्स कार्बन एटम एमओटी एंड रेजोनेस दोनों में आपने सीखा है इन केस ऑफ बेंजीन जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो छह कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शीट एक रिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन के सिक्स कार्बन के ऊपर इसका मतलब है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह कार्बन का स्ट्रांग होल्ड होता है मिल के पाई इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं सो आपके पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें कहते हैं डिलोकलाइज ये दो कार्बन के बीच में नहीं है सिक्स कार्बन के ऊपर मूव कर रहे हैं इसलिए इन्हें डीलोकलाइज्ड कहेंगे दे आर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने से छह कार्बन इनको मिलकर अट्रैक्ट करते हैं अट्रैक्शन या होल्ड इन पे बहुत स्ट्रांग होता है मजबूती से इलेक्ट्रॉन पकड़ के कार्बन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं सो बाहर से जो तो स्पेशी अटैक करेगी वो पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल उसका जो अटैक है वो डिफिकल्ट हो जाएगा अटैक इज डिफिकल्ट अब इस वजह से आपके पास इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन के रिंग है इसको ब्रेक करना ईजी नहीं है मुश्किल है डिफिकल्ट है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मुश्किल हो गया अब होगा क्या बेंजीन देअर फॉर प्रेफर टू शो एडिशन रिएक्शन सॉरी प्रेफर टू शो इलेक्ट्रोफिलिक सबसे रिएक्शन इसलिए बेंजीन में एडिशन रिएक्शन बहुत कम होते हैं मोस्टली जिन रिएक्शन को प्रेफर करता है ईजिली होते हैं आसानी से हो जाते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सबसिशेशन रिएक्शन होते हैं इसमें देन एडिशन हम ये भी कह सकते हैं डेट बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन अर्किन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिल एडिशन एडिशन रिएक्शन के लिए ये लेस रिएक्टिव होती है बेंजीन इसमें एडिशनल रिएक्शन आसानी से नहीं होते हैं मुश्किल से होते हैं अब वट इज इलेक्ट्रोफिल एक सबसेशन फॉर एग्जाम्पल अगर ये बेंजीन रिंग है कॉर्नर मीन कार्बन छनर्स पे छह कार्बन है ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद वन हाइड्रोजन कंप्लीट डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं बेंजीन का हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और यह डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग है क्योंकि ये रिंग बहुत स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ होल्ड ऑफ सिक्स कार्बन डीलोकलाइजेशन की वजह से छह कार्बन का होल्ड है तो ये बहुत स्ट्रांग है इलेक्ट्रोफाइल जो है पॉजिटिव स्पीशी जो अटैक के लिए यहां पे आएगी वो पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकती है। वो करेगी क्या आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा सब्सिचेशन हो जाएगी एच यहां से रिप्लेस होगा निकल जाएगा जगह खाली होगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा इनको आप कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिचेशन रिएक्शन इन विच वन ऑफ दी हाइड्रोजन इज रिप्लेस इलेक्ट्रोफाइल अब जो मेन रिएक्शन चलते हैं बेंजीन में उनमें सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक रिएक्शन बेंजीन की पहचान है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन बहुत कम चलते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग कंडीशन के अंदर एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन शो कर सकता है और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो इसके अंदर होते हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब आपने इनमें स्टार्ट करने हैं फर्स्ट एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन किस तरह से होते हैं फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एडिशन रिएक्शंस में आपने दो रिएक्शन स्टडी करने हैं फर्स्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन आपको चाहिए कंडीशन में कैटालिस्ट यूज किया जाएगा निकल और प्लाटिनम एज ए कैटालिस्ट टेम्परेचर हम हाई टेम्परेचर यूज करेंगे 150 डिग्री सी और प्रेशर भी हाई प्रेशर के अंडर आपके पास रिएक्शन पॉसिबल है आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा वो है साइक्लोहेक्गजेन फर्स्ट रिएक्शन लिखते हैं रिएक्शन कर रहे हैं बेंजीन के लिए सो बेंजीन रिंग रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अब याद रखना है एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड रिक्वायर वन मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एक पाईबॉन्ड में एक हाइड्रोजन एड होता है यहां पर तीनों पाईबॉन्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ब्रेक होंगे सो आपके पास यूज होंगे थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन और थ्री मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन यूज होते हैं रिएक्शन कंडीशन है आपके पास निकल और प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट टेम्परेचर इज वन फिफ्टी डिग्री सी एंड हाई प्रेशर ड्यूरिंग रिएक्शन ये तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे एडिशन मीन ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ न्यू एटम्स सो तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए सिंपल हेक्सागोनर रिंग बनेगी अंदर पाई बॉन्ड नहीं बनाने अब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच होता है बेन्न के अंदर ईच कार्बन हैोजन ये ऑलरेडी प्रेजेंट है अब अगर आप देखें तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने से ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके बॉन्ड है वन टू थ्री कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाते हैं इस तरह सारे कार्बन की बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो गई है वेलेंसी इनकम्प्लीट हो गई है टू कंप्लीट द बॉन्डिंग एंड वेलेंसी आपके पास यहां से हाइड्रोजन एड होंगी हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन छह हाइड्रोजन रिक्वायर है अगर आप यहां पे देखें थ्री इन टू सिक्स हाइड्रोजन आ रही हैं सो so यहां पे एड होगी वन हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स छह हाइड्रोजन ऐड होने से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये आपकी प्रोडक्ट आएगी ये जो प्रोडक्ट है इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन क्योंकि ये रिंग में है साइक्लो अल्केन्स आप पहले पढ़ चुके हैं किसी भी रिंग में जो साइक्लिक होता है उसमें रिंग शेप में आप नाम से पहले वर्ड साइक्लो ऐड करते हैं प्रीफिक्स क्योंकि ये रिंग शेप है साइक्लो फिर इसमें छह कार्बन है हेक्स और अगर आप देखें तो सारे बॉन्ड सिंगल हैं सो एंड टर्म यूज होगा ए एन ए सो प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेन नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद एडिशन ऑफ हेलोजेंस एडिशन ऑफ हेलोजेंस के लिए आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरीन एंड ब्रोमीन ईजिली एड हो सकते हैं आपको जो कंडीशन चाहिए वो है यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा अल्ट्रा वायलेट लाइट इज यूज एज ए रिएक्शन कंडीशन नेक्स्ट बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्रोडक्ट बनती है अब ये प्रोडक्ट कैसे बनती है फर्स्ट रिएक्ट विथ हेलोजन हेलोजन यहां पे यूज कर रहे हैं क्लोरीन Cl2 सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा एडिशन मीन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्योंकि यहां पे तीन बॉन्ड है सो आपके पास थ्री मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन थ्री मालिक्यूल ऑफ क्लोरीन ड्यूरिंग रिएक्शन यूज होंगे कंडीशन इज अल्ट्रा वायोलेट लाइट यूवी ड्यूरिंग रिएक्शन तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे सिंपल हेक्साकोनर रिंग रह जाएगी ईच कार्बन ऑफ बेंजीन कंटेन वन हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट थी अब जैसे ही आपके पास पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई आप काउंट कर लें कार्बन के तीन बॉन्ड है कार्बन हमेशा फोर बॉन्ड बनाता है टू कंप्लीट दी बॉन्डिंग यहां से क्लोरीन ऐड होंगे हर कार्बन के साथ एक क्लोरीन मीन टोटल आपको सिक्स क्लोरीन रिक्वायर है सो so वन क्लोरीन ऐड हो गया सेकेंड क्लोरीन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स अभी जो प्रोडक्ट आई है इसे आप कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लोराइड और अगर आप इसकी आयुपैक नेमिंग करें तो आप किसी भी कार्बन से स्टार्ट ले सकते हैं ऑल द कार्बन आर सेम सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः के कार्बन के साथ न्यू सब्सटेंट क्लोरीन अटैच हुआ है सो सब की पोजीशन लिखेंगे नंबर वन पे भी क्लोरीन सब्सटेंट अटैच हुआ है टू पे थ्री फोर फाइव सिक्स छः क्लोरीन ऐड हुए हैं सिक्स के लिए टर्म आएगी हेक्सा। क्लोरीन का नाम स्टार्ट में एज ए सब्सिडेंट लिखा जाए तो क्लोरो हेक्सा क्लोरो और एंड नेम अब आपके पास आएगा साइक्लोहेक्सेन पैनेट नेम साइक्लोहेक्जेन सो so, ये नेमिंग इसकी आयो नेमिंग है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्गजेन यहां पर एडिशनल रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स कंप्लीट हो गए हैं